बीजेपी से सस्पेंड किए गए दया शंकर सिंह की पत्नी और बेटी के बारे में एक रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यूपी में विरोध लगातार जारी है। आगरा में बीएसपी के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सिद्दीकी के काफिले को लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया। पथराव से काफिले की 3 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस पथराव के पीछे बीजेपी और एसपी का हाथ बताया है। अरे ये कन्फर्म नहीं हुआ कि पार्टी के लोग थे, लेकिन ये जो वो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की सह पे मैं अंदाज लगा रहा हूँ। यूपी के बांदा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को राष्ट्रगान गाने से रोकने का मामला सामने आया है। यहाँ के जौहरी गांव के लोगों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल पिछले 15 दिनों से बच्चों को राष्ट्रगान गाने और प्रार्थना करने से रोक रही हैं। इससे पहले स्कूल के एक टीचर ने भी प्रिंसिपल शाजिया परवीन के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी। इस मामले में शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायत करने वाली टीचर और प्रिंसिपल दोनों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के भदोही में नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़ी की मौत हो गई। अपने साथी की मौत से गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के देवरिया में एसीबी टीम ने एक लेखपाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम के मुताबिक लेखपाल जमीन की पैमाइश के लिए एक शख्स से 20,000 की रिश्वत मांग रहा था। युवक ने पहले उसे 5,000 रुपए दिए और फिर इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद प्लान के तहत लेखपाल को बाकी की रकम लेते हुए धर दबोचा गया। यूपी के मऊ में अमृत पब्लिक स्कूल में होमवर्क न करने पर एक छात्र की उसके क्लास टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी। यहाँ 6 क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को उसकी क्लास टीचर ने क्लास में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, गुस्साई टीचर ने मासूम का सिर भी बेंच पर पटका, जिससे उसे काफी चोट लगी। छात्र के घर वालों ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने एपी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बादल ने राज्य में ड्रग्स को लेकर उनकी सरकार पर सवाल उठाने को केजरीवाल की बौखलाहट करार दिया है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने के मुद्दे पर उनका मानना है कि इससे अकाली बीजेपी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों को फसल का एमएसपी दिए जाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मक्के की फसल पर एमएसपी नहीं दिए जाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर बार नए एफिडेविट दर्ज कर और दस्तावेजों में फंसा कर उसे गुमराह करने की साजिश ना की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पीडीएस सिस्टम के तहत इस फसल को खरीदा जा सकता है तो किसानों से एमएसपी पर डायरेक्ट खरीदने पर क्या दिक्कत है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब और केंद्र सरकार से तुरंत जवाब दाखिल करने को भी कहा है। भटिंडा में सरहिंद नहर के टूटने की वजह से इलाके के खेतों में 5 फुट तक पानी भर गया है। खेतों में पानी घुसने से 500 एकड़ में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नहर का पानी कई गांव की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि नहर के टूटने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस बीच फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने मुआवजे की मांग की है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में मॉनसून सत्र को सही ढंग से चलाने और स्वर्ण जयंती समारोह में विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी के अलावा विपक्षी कांग्रेस और एनलो के नेता शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सब पार्टियों के नेताओं को कल हरियाणा निवास में आमंत्रित किया है। जो विपक्ष के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं, उनको सबको बुलाया। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में मॉनसून सत्र को सही ढंग से चलाने और स्वर्ण जयंती समारोह में विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी के अलावा विपक्षी कांग्रेस और एनलो के नेता शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सब पार्टियों के नेताओं को कल हरियाणा निवास में आमंत्रित किया है। जो विपक्ष के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं, उनको सबको बुलाया है।